करते हैं सेट नंबर चार में, देखते हैं पहले एक्सप्लेन करने के लिए जो दिया गया है। पहला है पैशन इज नॉट पावर, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद दूसरा है द मिरेकल ऑफ लाइफ, ये जो है आपके सिलेबस में है, ए जी गार्डनर के द्वारा लिखा गया, ए फेलो ट्रेवलर उस पार्ट से आया है। आइए अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। ये सी वाला जो है तो द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, ये आपका जो है ए गर्ल विद ए बास्केट से है, विलियम सी डगलस इसके लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं। इसमें जो है हाउ हैड द गर्ल विद ए बास्केट गिवन द आथर ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मतलब टोकरी बेचने वाली लड़की ने लेखक को कैसे भारत के जीवंत आत्मा की झलक दिखला दिया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो उसके अंदर ईमानदारी थी, देश के प्रति उत्साह वाली भावना थी, ये सब बातें थी आपको बताया गया पाठ में। हाउ विल द पर्पज ऑफ लाइफ बी रिवील्ड टू अस, जीवन का उद्देश्य हमारे लिए कैसे प्रकट हो सकता है, ये उसका क्वेश्चन है। तो जीवन के उद्देश्य के बारे में लिखना है। हु वाज द आथर्स फेलो ट्रेवलर, लेखक का सहयात्री कौन था, तो मच्छर था, तो आपको पता है इसके बारे में लिखना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको भरना है, चार नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, कर लेंगे, एक भी कटेगा नहीं। मदर द हॉलीडेज इसमें होगा, पहले वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज इसमें हो जाए एडाप्टिंग होगा, ए डी ए पी टी रहेगा, ध्यान देना ओ वाला नहीं रहेगा सर, एडाप्टिंग स्पेलिंग पे भी ध्यान देना आपको। एडाप्टिंग माने होता है अनुकूल बनाना, तो पुरानी परिवार प्रणाली स्वयं को वर्तमान दिनों की परिस्थितियों के अनुकूल बना रही है। अब तीसरा आया जाए क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सा माई, लेखक देखा था किसको देखा था, फेलो ट्रेवलर को देखा था, सहयात्री को, दूसरा वाला सही है। तीसरे में टू बिकम एनेक्सियस आर एक्साइटेड आर टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट, किसको न्योता देना है, ब्रेकडाउन को न्योता देना, फिर हाल ही आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर, नॉट इन सिलेबस, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ का है वो कट गया है, क्लियर, उसको आप क्रॉस लगा दो, मतलब उसको नहीं पढ़ना आपको इस वर्ष, नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए ये दो है, दोनों क्वेश्चन चौथा का नहीं पूछा जाएगा, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के भी सिलेबस में नहीं है। उसके बाद पाँचवें पे आ जाओ, व्हाट डू यू थिंक इंस्पायर्ड ज्ञान बाबूज वाइफ टू हेल्प द वाइफ ऑफ द जेल हस्बैंड, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, स्पेशल एक्सपीरियंस का है, नॉट इन सिलेबस, काट दो इसको। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वर शंकुज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने से पहले शंकु की क्या भावनाएं थी, तो हिचकिचा रहा था, चुराने के बारे में सोच रहा था, कर्ज में डूबा था, तमाम समस्याएं थी, ये सब क्वेश्चन अपलोडेड है, वीडियो आप देख सकते हैं। अब अगला है व्हाट इज द स्पेशल चार्म ऑफ द स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड, इसका विशेष चार्म माने आकर्षण क्या है, तो लॉस्ट चाइल्ड कहानी आपको क्यों लगती है, उसमें बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, चाइल्ड साइकोलॉजी पर, ये सब बात बताना है बच्चा जो है, ठीक है, माता पिता को पहली प्राथमिकता देता है खोने के बाद, ये सब क्वेश्चन लिखना है आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये सब अगर आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ाया गया है प्लस पूरा वीडियो भी अपलोड है, आप उसमें से पढ़ के देख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डेथ गार्ड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, ये आपका कहाँ से आया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से आया है, इसके कवि जॉन मिल्टन हैं, तो आइए आगे देखते हैं। पहला है जो इसमें ओ वर्ल्ड ओ लाइफ, ये कहाँ से आया है, पी वी शैली का लिखा हुआ ए लेमेंट, क्लियर, वहाँ से आया है, पहला स्टैंजा। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, ये कहाँ से आया है, ये आपका माई हेवन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, क्लियर, इतना जानते रहोगे तो कॉन्टेक्स्ट बना के रेफरेंस बना के लिखने में दिक्कत नहीं होगी, बाकी कॉन्टेक्स्ट तो आपको हर पोएम का एक ही कॉन्टेक्स्ट बताया गया है, आपको पूरा अपलोडेड भी है वीडियो, ठीक है, लिखा गया वही आपको लिखना है। देखिए अगला है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से लेके फ्रॉम एलजी, ये मतलब कि सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो पहले का आप लिखना, दूसरे सिलेबस में आपके नहीं है, और तीसरा भी आपके सिलेबस में नहीं है, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ लिखना है, इसको पढ़ाया भी गया है, वीडियो भी इसका अपलोड किया हूँ, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक ना। उसके बाद अलंकार, तीन अलंकार दिए, तीन में से किसी एक का आपको परिभाषा लिखना है प्लस दो एग्जाम्पल लिखना है। तो चलिए अब सेक्शन बी में आ जाते हैं, ग्रामर हम हल करते हैं, आप लोग जो हल की वो मिला लो, नहीं तो तुरंत लिख लो। पंडित नेहरू सेड टू द लार्ज गैदरिंग ऑफ इन द रामलीला मैदान, माई डियर नोबल कंट्रीमैन आई सेल एवर रिमेन
सर्विंग द काज ऑफ मदर इंडिया। क्लियर। तो इसमें जो है आपको इनडायरेक्ट बनाना है इसका। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि माई डियर नोबल कंट्रीमैन, ये कह के संबोधित किया जा रहा है। किसको संबोधित कर रहे हैं? लार्ज गैदरिंग को। गैदरिंग मतलब भीड़ भाड़, जो वहाँ पर पब्लिक इकट्ठा है उसको। तो इसमें आपको एड्रेसिंग का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर। तो आप कह दो एड्रेसिंग, सबसे पहले क्या लगाओगे आप? एड्रेसिंग का प्रयोग अपनी तरफ से करो, संबोधित करते हुए। किसको संबोधित करते हुए? उसके बाद आप एड्रेसिंग के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, ऐसे लिखो, एड्रेसिंग द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान। उसके बाद आप लगा दो एज, क्या लगा दोगे? एज, एड्रेसिंग रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, फिर एज, फिर संबोधन के शब्द लिखा जाता है। संबोधन के शब्द यहाँ माई जो है पीटी नेहरू के अनुसार इसको हिज में बदल दो। एड्रेसिंग द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान एज हिज डियर नोबल कंट्रीमैन, एज कर दो, हिज माई का हिज कर दो, डियर नोबल कंट्रीमैन, सब कुछ वैसे लिखते चले जाओ। ठीक। फिर उसके बाद कामा लगा दो आप भी। फिर उसके बाद जो है आप फिर से सब्जेक्ट लिखोगे पंडित नेहरू, क्या लिखोगे आप? पंडित नेहरू, ठीक है ना। पंडित नेहरू के बाद आप लिख दोगे टोल्ड, सेट टू का क्या कर दोगे आप? टोल्ड, पंडित नेहरू टोल्ड, ठीक है। अब यहाँ देम लगा दो, क्योंकि एक बार द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान लिखे हो ना, उसके लिए देम लगा दो, टोल्ड देम। तो मतलब क्या होगा? एड्रेसिंग द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान एज हिज डियर नोबल कंट्रीमैन, ठीक है, पंडित नेहरू टोल्ड देम। क्लियर। क्या बताए? दैट के बाद हिम कर, देम के बाद दैट लगाओ, फिर आई का जो है आई सेल से जो बचा है उसका करो। अब यहाँ माई डियर नोबल कंट्रीमैन का काम खत्म हो गया। क्लियर। दैट के बाद लिखो आई का ही कर दो, सेल का ही के अनुसार बिल लगता है इसलिए उड हो जाएगा, ही उड। एवर से लिखते चले जाओ, एवर रिमेन सर्विंग द काज ऑफ मदर इंडिया, सब कुछ वैसे लिखते चले जाओ। एक बार से हम फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लो जो गलत लिखे हो या सही करे हो। तो देखिए पहले, सबसे पहले एड्रेसिंग लिखा जाएगा, एड्रेसिंग के बाद जो है द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान लिखा जाएगा, फिर एज लिखा जाएगा, उसके बाद एज के बाद माई का हिज करके, ठीक है, डियर नोबल कंट्री मेल लिखा जाएगा। ये माई डियर नोबल कंट्री मेल को हटाने के लिए एड्रेसिंग एज का सहारा लिया जाता है, ठीक ना। एड्रेसिंग प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, फिर एज प्लस संबोधन के शब्द। उसके बाद अब ये हट गया, तब इससे कोई मतलब ना रखो, अब शुरू से पूरा कर लो, शुरू से अब पूरा करो जैसे करते हो हमेशा, माई डियर नोबल कंट्री मेल को हटा दे। तो पंडित नेहरू सेट टू का टोल्ड कर दो, अब द लार्ज गैदरिंग रामलीला मैदान आप लिख चुके हैं, इसलिए गैदरिंग के लिए आप देम लगा दो, मतलब भीड़ भाड़ से ही कहे हैं तो देम कर दो, क्योंकि उन्हें बताया। सेट टू का टोल्ड, पंडित नेहरू टोल्ड देम कर दो, फिर दैट करके, फिर आई का जैसे बनाते हो आई का ही कर दो, सेल का जो है उड कर दो, एक साथ भी लगता है, एवर से लेके लास्ट तक लिखते चले जाओ, इंडिया तक फुल स्टॉप कर दो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। हिंदी क्या होगी? तो विशाल विशाल रामलीला मैदान की विशाल भीड़ को अपने प्रिय श्रेष्ठ कंट्रीमैन के रूप में संबोधित करते हुए, क्लियर, और पंडित नेहरू ने उन्हें बताया कि वह मदर इंडिया के कारण जो है हमेशा क्या करेंगे? सेवा करते रहेंगे। ये इसका अर्थ होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। हरी सेड टू राम, हरी ने राम को कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर लिए हो? राम सेड नो, हरी सेड वाई? राम सेड बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम इन टू कंप्लीट। तो ये थोड़ा आपका डायलॉग टाइप में है, तो इसको कैसे किया जाएगा इसको देखो। देखिए इसको करो, हरी सेड टू का आस्क करो, हरी आस्क राम, उसके बाद ये हैव है, फर्स्ट टाइप है, तो राम के बाद क्या करो? इफ। क्लियर। अब फिर यू का राम के अनुसार ही करो, इफ़ ही हैव का हैड करो, इफ़ ही हैड कंप्लीटेड योर का हिज कर देना, हिज होमवर्क, ध्यान सुनते चले जाओ। हरी आस्क्ड राम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हरी ने राम से पूछा कि क्या वह अपना गृह कार्य पूरा किया है। क्लियर। उसके बाद राम रिप्लाइड, अब यहाँ सेट को रिप्लाइड कर दिया जाता है अगर यस या नो में उत्तर आया रहता है, राम रिप्लाइड। क्लियर।
राम रिप्लाइड कर दो। राम ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, अब दैट लगा दो, राम रिप्लाइड दैट। अब नो है ना, तो नो है तो या यस हो तो पिछले वाक्य से सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखा जाता है, ये आपके एक्सीलेंट में रूल दिया गया है। तो राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट, ही, अब यहाँ हैड नॉट कंप्लीटेड कर दो, ही हैड नॉट कंप्लीटेड, सब्जेक्ट और वर्ब तक आप दोबारा लिखो, क्लियर। ही हैड नॉट कंप्लीटेड, या शॉर्ट में आप ही हैडेंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा वही माना जाता है, आप पूरा लिख दो, ही हैड नॉट कंप्लीटेड तक लिख दो, सब्जेक्ट वर्ब तक लिख दो, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आप ज़्यादा लिखना चाहो तो ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क भी लिख सकते हो, गलत नहीं होने वाला है, क्लियर। सब्जेक्ट वर्ब तक जरूरी रहता है, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, फिलहाल लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्लियर। तो क्योंकि हम दूसरे से यही कहेंगे, राम ने कहा नो, नो मतलब क्या, मैंने ही पूरा किया हूँ, यही तो कहा है ना, क्लियर। तो हम यही कहेंगे कि राम ने कहा कि उत्तर दिया कि वह नहीं पूरा किया था, क्लियर। दूसरे से हम इतना ही बताएंगे, इसलिए जितना दूसरे से बताओगे उतना ही अंग्रेजी लिखो। अब हरी सेड व्हाई, तो अब देखिए हरी देन आस्क्ड हिम, अब हम यहाँ देन का प्रयोग कर देते हैं दोबारा, क्योंकि फिर पूछ रहा है ना तो अच्छा लगता है, फिलहाल देन नहीं करो, गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। हरी देन आस्क्ड हिम, हरी ने तब उससे पूछा, क्योंकि एक बार पूछा था, देन माने तब या फिर, ठीक है, फिर उससे पूछा। व्हाई, व्हाई मतलब क्या, वो कहा गया व्हाई मतलब व्हाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड, तुम अपना काम क्यों नहीं पूरा किए, तो हम उसको दूसरे से बताएंगे व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड, क्लियर। व्हाई तो हो जाएगा हरी देन आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड, हरी देन आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड। ये जो शॉर्ट फॉर्म है हम उसको डायलॉग है, इनडायरेक्ट में अपने हिसाब से कहते हैं तो पूरा उसका रूप देते हैं, क्लियर। व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड। अब उसके बाद जो है देखिए, फिर राम, अब यहाँ कर दो, राम अगेन रिप्लाइड हिम, क्योंकि राम एक बार उत्तर दिया ना तो दोबारा किया, तो दोबारा के लिए हम अगेन लगा देते हैं कि देन के बाद अगेन कर देते हैं, ठीक है, ये सब नियम है। अब फिलहाल अगेन आप नहीं करो, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा हुआ कि किताब में आपको एक्सीलेंट में मिल जाएगा, हल किया होगा डायलॉग वाले चैप्टर में, ठीक ना, तो अच्छा लगता है, दोबारा अगेन करना चाहिए। राम ने दोबारा उससे पूछा, क्योंकि हम दूसरे जैसे बताएंगे तो ये कुछ शब्द हैं इनका हम प्रयोग करते हैं, क्लियर। राम अगेन रिप्लाइड हिम, दोबारा उत्तर दिया। अब रिप्लाइड हिम के बाद देखिए दो तरीके हैं इसके करने के लिए, रिप्लाइड हिम के बाद डायरेक्ट कह सकते हो दैट ही कुड नॉट गेट टाइम, या फिर और क्लियर करना चाहो रिप्लाइड के बाद दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड, कि वह नहीं पूरा किया था, तब लिखो बिकॉज ही कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट, क्योंकि बिकॉज भी लिखना पड़ेगा तो उसके पहले वाली बात क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर। राम ने कहा क्योंकि नहीं, मैं समय नहीं पाया, कहने मतलब मैं समय नहीं पाया, क्योंकि मतलब मैं नहीं पूरा किया क्योंकि मैं समय नहीं पाया था। तो राम रिप्लाइड, राम अगेन रिप्लाइड हिम दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड, उसके बाद बिकॉज ही कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट, इतना लिखोगे पूरा रूप हो जाएगा, ठीक है। राम अगेन रिप्लाइड हिम दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड, कि वह नहीं पूरा किया, बिकॉज से अब जोड़ दो, बिकॉज आई का ही कर दो, कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट, ये आपका पूरा रूप अच्छे से हो गया। बाकी आप कुछ किताब में आपको ऐसे मिल जाएगा कि राम रिप्लाइड हिम दैट ही कुड नॉट गेट, बिकॉज को खा जाएंगे वो, क्लियर। तो आप बिकॉज को ना खाओ तो उसके पहले ही हैड नॉट कंप्लीटेड लिख दो, बिकॉज भी बना रहेगा, समझ गए ना, इस तरह से बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि उसको समझो, मतलब आदमी बोलचाल में शॉर्टकट यूज करता है, आप शॉर्टकट मत यूज करो इनडायरेक्ट में, आप उसको सोचो कि हाँ क्यों, क्योंकि क्यों मतलब कि वो कह रहा क्यों, क्योंकि मतलब क्यों नहीं की पूरा किया, वो कह रहा है बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम, कहने का मतलब ये है आई हैड नॉट कम्प्लीटेड बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम, क्लियर। पूरा रूप इसका ये होगा, इस तरह से लिखने से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कैसे कैसे इसका बनाना था, आप लोग मिला लो, ठीक है, कैसे कैसे बताएं हम। हरी केवल आंसर बता रहे हैं, हरी आस्क राम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसके बाद राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड, फिर उसके बाद हरी देन आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड, फिर अगली लाइन है राम अगेन रिप्लाइड हिम दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड बिकॉज ही कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट, या लास्ट वाले सेंटेंस में शॉर्टकट में मारना चाहो तो कर सकते हो, राम रिप्लाइड अगेन रिप्लाइड हिम दैट ही कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट, ऐसे भी आपका काम चल जाएगा, क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पहला वाला,
प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बाय दैट टाइम, ट्रेन उस समय तक स्टेशन पर नहीं आई थी, ठीक ना। तो इसको ऐसे कर दो, सबसे सरल यही है कि व्हेन वी रीच द स्टेशन कामा द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुंचे तब ट्रेन नहीं आई थी, तब ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई थी। एक ही व्हेन से बना सकते हो क्योंकि समय की बात किया जा रहा है, दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, इसको हैड से भी बना सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, क्लियर, ट्रेन हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले नहीं आई थी, क्लियर, समझ गए ना, ऐसे भी बना सकते हो। पहला वाला व्हेन से बना दो, व्हेन वी रीच द स्टेशन कामा कर दो द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड, जब हम स्टेशन पर पहुंचे थे तब ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई थी, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, सबसे सिंपल है। दूसरा तरीका द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक है, बाय दैट टाइम ना करके बाय द टाइम कर दो, तब द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बाय द टाइम, ट्रेन उस समय तक, ठीक है, स्टेशन तक नहीं पहुंची थी, व्हेन वी रीच द स्टेशन, ऐसे भी कह सकते हो, क्लियर, अगर व्हेन शुरुआत में कर दो बाय दैट टाइम हट जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर वी रीच द स्टेशन, बाय दैट टाइम पूरी तरह से हट जाएगा, तो क्योंकि बाय दैट टाइम के लिए तो हम बिफोर कर देंगे ना, बिफोर वी रीच द स्टेशन पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, बीच में बिफोर, क्लियर, समझ में आ गया ना। व्हेन से करोगे तो शुरुआत में लगाओ, बीच में कामा लगाओ, स्टेशन तक लिख के फुल स्टॉप कर दो, बिफोर से बनाओगे तो स्टेशन तक लिखो फिर बिफोर करके पहला वाक्य ले जाके बाद में जोड़ दो। व्हेन शुरू में लगा दो, व्हेन वी रीच द स्टेशन कामा कर दो, जब हम स्टेशन पहुंचे कामा द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, तब ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई थी, बस इतना ही लिखना है, बाय दैट टाइम नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि व्हेन लगा दिए समय के लिए कंजक्शन लगा दिए तो उसका काम खत्म हो गया, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, इसमें दो में से एक ही करना परीक्षा में, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो एकदम सबसे अच्छे से आया हो या सेम टू सेम मिला हो आप वही करो। द टीचर इंटर द क्लास द बॉयज स्टूडेंट, इसको सिंपल बनाना है, अध्यापक कक्षा में इंटर माने प्रवेश किए बल लड़के खड़े हो गए, तो हम यही कहेंगे द टीचर, यहाँ हैविंग लगा दो, हैविंग इंटर द क्लास, ठीक है, केवल हैविंग कर दो, एच ए वी आई एन जी, ठीक है, द टीचर हैविंग इंटर द क्लास कामा, ठीक है, उसके बाद द में टी छोटे कर दो, द बॉयज स्टूड अप, द टीचर हैविंग इंटर द क्लास कामा द बॉयज स्टूड अप, अध्यापक के क्लास में प्रवेश करने के बाद लड़के खड़े हो गए, क्योंकि इसमें द टीचर और द बॉयज दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं और पहले वाक्य का आप जब दूसरे में सब्जेक्ट भी नहीं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नियम से बनेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता क्या है, दोनों कर्ता स्वतंत्र रहते हैं, केवल जो है पहले जो काम पहले होगा उसके वर्ब को जो है एक्टिव वॉइस में तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, एज एम आर वाज वर है तो बीइंग प्लस बीइंग लगा देते हैं, क्लियर, यही तीन नियम। चलिए आगे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, हरी इस स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है, तो पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो पॉजिटिव डिग्री अगर वन ऑफ आता है तो शुरुआत में लिखा जाता है वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू, क्लियर, तो आप पॉजिटिव डिग्री में कर दो वेरी फ्यू, बहुत कम ही, उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, उसके बाद लिखो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के बहुत कम ही विद्यार्थी, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा आर, क्योंकि स्टूडेंट्स है इसलिए आर, उसके बाद लगाओ कि एज गुड, आर एज गुड, फिर एज करके हरी करना पड़ेगा, ये अर्थ क्या होगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर एज गुड एज हरी, इस स्कूल के बहुत कम ही विद्यार्थी उतना अच्छे हैं जितना कि हरी, कहने का मतलब हरी स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक हैं, क्लियर, फिर से सुन लो, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर एज गुड एज हरी, लिख लिए, हो गया, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। इन द फाइनल मैच ऑफ सिरकार टूर्नामेंट दयानंद कॉलेज डिफीटेड सुभाष चंद्र बाई टू गोल्स, सिरकार टूर्नामेंट इज एन एनुअल इवेंट, एनुअल माने वार्षिक, इवेंट माने यहाँ घटना नहीं होगा खेल होगा, क्लियर, इवेंट माने खेल भी होता है,
तो अब यहाँ करना क्या है, इसको सिंपल बनाना है। तो सिंपल देखिए बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें यहाँ जो सरकार टूर्नामेंट दयानंद ठीक है कॉलेज है इसका ठीक है कॉलेज का है या टूर्नामेंट है, तो अब ये डिफीट किया है फाइनल मैच में सरकार टूर्नामेंट दयानंद कॉलेज वाले डिफीट किए हैं किसको, सुभाष कॉलेज को 2 गोल से डिफीट किए। अब यहाँ आगे बताया सरकार टूर्नामेंट इज एन एनुअल इवेंट, सरकार टूर्नामेंट की यहाँ विशेषता बताया जा रहा है एक एनुअल इवेंट है, तो आपको यहीं से ट्रिक मिल गया कि इसको हम क्या करेंगे, जो केस इन अपोजिशन वाला नियम है यानी कि कामा लगा के जो जिस शब्द की मतलब व्याख्या किया जाता है उसको हम उसके बगल कामा लगा के व्याख्या करने वाले शब्दों को लिख देते हैं, क्योंकि केस इन अपोजिशन, अपोजिशन किसे कहते हैं, जो शब्द किसी नाउन की पोजीशन को क्लियर करता है उसे हम अपोजिशन कहते हैं, इसलिए उस नाउन को पोजीशन क्लियर करने के लिए उसके बगल लिखते हैं। तो चलो इसको करना क्या है, देखो ध्यान से सुनो, पहले आप इन द फाइनल मैच ऑफ सरकार टूर्नामेंट इतना पूरा लिख लो, टूर्नामेंट के बाद कामा लगा है ना तो लगा रहने दो। आपको अब क्या करना है, एन इन इवेंट एन एनुअल इवेंट यही आपको ले जाके टूर्नामेंट के बगल सेट करना है, टूर्नामेंट के बगल आपको डबल कामा के बीच यानी दोनों ओर कामा लगा के एन एनुअल इवेंट लिख देना है, क्लियर, क्योंकि उसकी विशेषता सरकार टूर्नामेंट की ही विशेषता वो क्या है, एन एनुअल इवेंट है, लिख दो टूर्नामेंट के बाद कामा एन एनुअल इवेंट, दूसरे वाक्य से एन एनुअल इवेंट लिख देना, लिख दिए इवेंट के बाद कामा लगा दिए, उसके बाद फिर दयानंद कॉलेज से लिखते चले जाओ पूरा गोल्स तक, इवेंट के बाद कामा फिर दयानंद कॉलेज डिफीटेड सुभाष चंद्र कॉलेज बाय 2 गोल्स, ठीक। तो पूरा वाक्य कैसे पढ़ा जाएगा देखो, इन द फाइनल मैच ऑफ सरकार टूर्नामेंट कामा एंड एनुअल इवेंट फिर कामा दयानंद कॉलेज डिफीटेड सुभाष कॉलेज बाय 2 गोल्स, हिंदी क्या होगी, सरकार एक वार्षिक खेल सरकार टूर्नामेंट के मैच के फाइनल में दयानंद कॉलेज ने सुभाष चंद्र को 2 गोल के द्वारा क्या किया, हरा दिया, सुभाष कॉलेज को 2 गोल से हरा दिया। अब चलिए देखते हैं हम आपका जो है सिंटैक्स करेक्ट करने के लिए, अब यहाँ देखिए दिया गया है ठीक है, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो, ठीक। तो पहली बात तो ये प्रश्नवाचक है तो सब्जेक्ट इसमें नहीं आता है साइक्रियस पहले, क्लियर, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा वेयर आर, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो वेयर, उसके बाद साइक्रिया लगाओ आर, तब सब्जेक्ट लिखोगे यू, वेयर आर यू, उसके बाद वर्ब लिखोगे कमिंग, फिर उसके बाद लिख दोगे फ्रॉम, प्रश्नवाचक का निशान लगा दो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इसका सही वाक्य होगा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्योंकि डब्ल्यू एच वाले शब्द में लास्ट में भी हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम ये सबसे बेस्ट होगा, नहीं तो आपको कुछ जगह ऐसा वाक्य मिल जाएगा फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ये भी लगा सकते हैं, गलत वो भी नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बेटर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम होगा सिंटैक्स के हिसाब से, क्लियर, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, ठीक। अब देखिए माई ट्राउजर आर डर्टी, तो अब इसमें गलती क्या है, तो पहली बात तो ट्राउजर में हमेशा यस लगा रहता है, एक गलती ये है, ट्राउजर्स लिख कहना चाहिए ट्राउजर नहीं, ठीक, क्योंकि इसमें दो पेयर रहते हैं, ठीक है, तो दोनों को एक में कंबाइन किया, तो इसलिए प्लूरल में ही लिखा जाए ट्राउजर्स, टांग्स, ठीक है, सीजर्स, इन सभी में यस एंडिंग नाउन है ये, तो पहली बात तो यस लगा दो, और इनके साथ आर जो है एकदम सही है, प्लूरल वर्ब भी लगता है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक। तो ट्राउजर में यस केवल जोड़ दो और कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये मतलब कि पहनने के कुछ वस्त्र हैं और कुछ यंत्र होते हैं, वो हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है, नाउन वाले चैप्टर में आपको एक्सीलेंट में मिल जाएगा, क्लियर। अगला आई विल अवेल दिस चांस, ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, तो आपको ये जो है प्रोनाउन वाले चैप्टर मिलेगा, अवेल के साथ जो है हमेशा सेल्फ या सेल्फ फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है, ये मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना चाहिए और उसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आप भी लगेगा, क्लियर, प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में भी आप लीजिए, इसको होगा आई विल अवेल, अवेल के बाद आप लिखो माई सेल्फ, माई सेल्फ, उसके बाद लिखना पड़ेगा ऑफ, आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस चांस, अर्थ क्या होगा इसका, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाया, क्लियर, अवेल वन सेल्फ ऑफ एक मुहावरा है, फ्रेज है, इसका मतलब होता है फ़ायदा उठाना, अब ही है, सॉरी सब्जेक्ट आई है तो अवेल के बाद माई सेल्फ लग गया, ही होता थिम सेल्फ हो गया, दे होता देम सेल्फ, उसके साथ ऑफ लगता है, क्लियर, अवेल वन सेल्फ ऑफ है मुहावरा, तो वन सेल्फ की जगह भाई आई के अनुसार माई सेल्फ हो गया, क्लियर।
तो आ वेल के साथ हमेशा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद तुरंत आप भी लिखना पड़ता है। इसका अर्थ होता है फ़ायदा उठाना, तो हो जाएगा मैं इस मौके का फ़ायदा उठाया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देमसेल्व आर रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें आपको देमसेल्व के पहले दे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, रूल सुन लो, क्योंकि किसी भी वाक्य में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी सब्जेक्ट नहीं बना देते हैं, रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन को कभी सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके अनुसार हम सब्जेक्ट उसके पहले लिख देते हैं। क्लियर, दे देमसेल्व आर रिस्पॉन्सिबल, इसका अर्थ होगा वे स्वयं जिम्मेदार हैं। देमसेल्व आर रिस्पॉन्सिबल, देमसेल्व कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, बिना दे आए देमसेल्व नहीं लगा सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका प्रोनाउन का रूल है, आप पढ़ लीजिएगा, सिंटैक्स में एक्सीलेंट पर दिया गया। क्लियर, किसी भी वाक्य में इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को या इम्फैटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके अनुसार सब्जेक्ट हम लिख देते हैं। तो दे देमसेल्व, देमसेल्व पहले दे लगा दो, वाक्य पूरा सही है, दे देमसेल्व आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर देमसेल्व रिस्पॉन्सिबल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, वाक्य नहीं बन सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग केवल या तो ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, या तो ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है तो उसको हम इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ ऐसा कोई मेन वर्ब दिया नहीं गया है कि जिसके बाद आप उसको लगाओगे, तो इसमें आपको केवल सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक, ऐसे वाक्य आपको एक्सीलेंट में मिल जाएगा, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ऐसा वाक्य आया एक्सीलेंट में आप पढ़ोगे माई सेल्फ डिड दिस वर्क, वो भी वाक्य इंपॉर्टेंट है परीक्षा की, तो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ऐसे आपको मिलेगा साल, खुद पढ़ लेना एक्सीलेंट। क्लियर, उसी नियम से इसको बनाना पड़ेगा। दे देमसेल्व आर रिस्पॉन्सिबल, जब वो सब्जेक्ट की जगह लिखा गया तो सब्जेक्ट उसके पहले लगा दो। क्लियर, ऑब्जेक्ट इसमें गलत हो जाएगा, वे स्वयं को जिम्मेदार हैं, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आएगा स्वयं को जिम्मेदार है, गलत है, ठीक, वे स्वयं जिम्मेदार है, ऐसा हिंदी आ रहा है। ठीक, अगला देखते हैं, नो वेयर यू कैन फाइंड सच अ नाइस मैन, ठीक, तो अब इसमें गलती क्या है कि नो वेयर यू कैन फाइंड, तो सब्जेक्ट से शुरू करना पड़ेगा आपको, यू कैन सब्जेक्ट शुरू में लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट पर यू कैन फाइंड आप पा सकते हो। क्लियर, उसके बाद आपको नो वेयर लिखना पड़ेगा, यू कैन फाइंड नो वेयर, आप कहीं नहीं पा सकते हो, ठीक है, सच ए नाइस मैन, उसके बाद यू कैन फाइंड नो वेयर सच अ नाइस मैन, आप कहीं नहीं पा सकते हो ऐसा सुंदर आदमी, इतना अच्छा आदमी, आप इतना अच्छा आदमी कहीं नहीं पा सकते हो, तो यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो इसका प्रयोग वर्ब के बाद होता है। क्लियर, तो नो वेयर तो शुरुआत में नहीं होगा, ये गलती थी, तो फाइंड के बाद नो वेयर लगा दो, फिर सच ए नाइस मैन लिख दो, वाक्य एकदम करेक्ट। तो चलिए पांच छठवां वाक्य देखते हैं, देयर इज द बेस्ट सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, ये कहावत है कि प्रत्येक समस्या का अच्छा सोल्यूशन होता है, ठीक ना, कोई भी समस्या है तो उसका सोल्यूशन में हल ही है कुछ ना कुछ। क्लियर, क्योंकि समस्या है तभी तो हल रहेगा, तो इसको आपको ऐसा करना पड़ेगा, एवरी सोल्यूशन पहले आप सब्जेक्ट लिखो, जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद लगा दो हैज, एवरी प्रॉब्लम हैज गुड सोल्यूशन, ऐसे होगा, बेस्ट नहीं होगा गुड होगा, एवरी प्रॉब्लम हैड गुड सोल्यूशन, प्रत्येक समस्या का अच्छा समाधान होता है, अच्छा सुझाव होता है, इस तरह से वाक्य एकदम करेक्ट हो गया, ये कहावत है। क्लियर, एवरी प्रॉब्लम हैज गुड सोल्यूशन, ऐसा कहा जाता है कि वाक्य आप सही कर। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको एंटोनिम्स बताना है, तीन शब्द दिए गए हैं, तीनों का एंटोनिम्स बताना। पहला शब्द है कवर्ड, कवर्ड माने होता है कायर, तो एंटोनिम्स होगा साहसी, तो ब्रेव कर दो या बोल्ड कर दो, बिल्कुल बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड माने भी साहसी, करेजियस माने साहसी कर सकते हो। क्लियर, ब्रेव या बोल्ड कर दो, ब्रेव माने बहादुर, या बोल्ड कर दो साहसी, ठीक है, या करेजियस कर सकते हो। ब्रिलियंट, ठीक है, ब्रिलियंट माने जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है उसको ब्रिलियंट कहते हैं। क्लियर, हाँ तो आप डल कर सकते हो। क्लियर, मूर्ख या नीरस। वार्म माने क्या होता है, गर्म होता है, तो इसको आप कूल कर दो। क्लियर, सी डबल ओ एल करोगे, कूल करोगे, कोल्ड नहीं करोगे, अगर हार्ट होता तब कोल्ड होगा, क्योंकि कूल और वार्म गुड सेंस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है,
और हॉट और कोल्ड जो है बैड सेंस में यूज किया जाता है। क्लियर? आप वार्म पानी पीते हो, वार्म वाटर हॉट नहीं पीते हो, हॉट मतलब बहुत ना, ठीक है, कूल करके पियोगे, कोल्ड नहीं। क्लियर? आप देखिए सिनोनिम्स जो है कॉमन्स, कॉमन्स का सिनोनिम्स बताना, कॉमन्स माना होता है शुरू करना कोई काम, तो बिगिन कर दो, ठीक है। अगला है इनवी माने ईर्ष्या होता है, तो जीलसी माने ईर्ष्या, ठीक है। जीलसी की स्पेलिंग में ध्यान देना, जेड से शुरू होगा, जेड से नहीं रहेगा, जे ई ए एल ओ यू एस वाई, जे ई ए एल ओ यू एस वाई, जीलसी माने ईर्ष्या होता है। क्लियर? जीलस माने ईर्ष्यालु होता है, जीलसी करना पड़ेगा, नाउन लिखना है ना, जे ई ए एल ओ यू एस वाई, जीलसी माने ईर्ष्या। अगर जे को जेड कर दोगे तब जीलस माने उत्साही हो जाता है, ठीक ना? जी। तो अगला जे ई ए एल ओ एस वाई, टारगेट, हेटेड, हेटेड माने तो घृणा होता है, घृणा और ईर्ष्या में अंतर है ना, ठीक है, हेटेड नहीं सही पड़ेगा। जब जीलसी स्पेशल वर्ड है तो वही मिलता जुलता ना किया करो, जब स्पेशल आपको पता है तो स्पेशल करो। टारगेट माने होता है लक्ष्य, गोल, गोल कर दो, ठीक है, एम भी कर सकते हो। चलिए आगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या को क्या कहते हैं, व्यक्ति के किसी व्यक्ति के भाई की हत्या हो जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ब्रदर साइड नहीं कहेंगे, ठीक है, फ्रैटरी साइड कहते हैं, एफ आर ए टी आर आई सी आई डी, ब्रदरी साइड, ब्रदर साइड तो वो तो कॉमन वर्ड अपने मन से बनाया हो, तो जो स्पेशल वर्ड इसके लिए बना है वो है फ्रैटरी साइड। तो फ्रैटरी साइड क्यों कहेंगे उसका कारण जान लो, इसमें रूट वर्ड है फ्रैटर, फ्रैटर माने होता है ब्रदर इंग्लिश में। क्लियर? ये ग्रीक भाषा से आया, ठीक है, कुछ ग्रीक और लैटिन से भी आए हैं वर्ड, तो ठीक है। जैसे राजा की हत्या को किंग साइड नहीं कहोगे, रेजी साइड कहते हो किताब में, क्योंकि रेजी माने किंग होता है, रेजी शब्द रेजिस से बना है। क्लियर? ग्रीक भाषा के, ठीक है, तो इसलिए फ्रैटरी साइड आप करोगे तो बेटर होगा, एफ आर ए टी आर, ठीक है, आई फ्रैटरी साइड, ठीक है। फ्रैटर्निटी माने भाईचारा होता है, इसी से बना, ठीक है ना, फ्रैटर्निटी इसी से रिलेटेड एक शब्द है। फ्रैटरी साइड माने होता भाई की हत्या। क्लियर? फ्रैटरी साइड माने, फ्रैटरी माने भाई, साइड मीन्स मर्डर, हत्या। क्लियर? तो जिसमें भी हत्या रहेगा साइड आएगा उसमें, साइड रूट वर्ड है, साइड मतलब मर्डर होता है। फ्रैटरी साइड या फारे टी आर आई सी आई डी माने भाई की हत्या या भातृ हत्या, ठीक ना। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा ना जा सके उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, अपारदर्शी हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में बताना है ओपेक, क्या, अरे सीन थ्रू, हाँ, आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट होगा, अगर नॉट होता तब ओपेक होगा। ट्रांसपेरेंट करो, टी आर ए एन एस, ट्रांस पी ए आर ई एन टी, पेरेंट, पारदर्शी होगा, ठीक है। जैसे गाड़ी में जो शीशा ड्राइवर के आगे रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, क्योंकि आगे उसको देखना रहता है, ठीक ना, ट्रांसपेरेंट, तो वही दर्पण जो भी रहेगा, जो मतलब कि जो मतलब ड्राइवर के सामने रहता है वो नहीं आगे देखने के लिए रोड पर वो ट्रांसपेरेंट रहता है ना। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, कैन बी बिलीव्ड, सॉरी कैन बी बिलीव्ड, कैन बी बिलीव्ड तो क्रेडिबल हो जाएगा। क्लियर? सी आर ई डी आई बी एल, क्रेडिबल स्पेशल वर्ड है, बिलीवेबल भी हो सकता है इसका। क्लियर? इंग्लिश में भी इसके लिए वर्ड है बिलीवेबल, सी आर ई डी आई बी एल ई, क्रेडिबल क्यों होगा, क्रेड जो है शब्द जो है इसमें रूट वर्ड है, क्रेड माने होता है फेथ इंग्लिश में, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। क्लियर? ग्रीक और लैटिन भाषा से ये कुछ वर्ड आए हैं उसमें से ये है, तो क्रेड माने फेथ होता है, ठीक है, तो इसीलिए क्रेडिबल माने विश्वसनीय, फेथ, ठीक है, फेथ या बिलीफ होता है। तो अगर यही नॉट रहेगा तो इनक्रेडिबल हो जाएगा, इसमें कैन नॉट भी सीन रहेगा तो ऑपेक हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, एडियम्स एंड फ्रेजेज हम देख लेते हैं, नहीं होमोफोन्स भी पहले दे दिया, ठीक है, इसमें एडियम्स एंड फ्रेज बांध दिया। तो अब देखिए कैजुअल, ठीक है, कैजुअल माने होता आकस्मिक, कैजुअल माने क्या होता है, आकस्मिक, ठीक है,
तो कैजुअल मतलब आकस्मिक होता है, जैसे अचानक या आकस्मिक, इसे ना कैजुअल लीव होता है स्कूल में, सीएल लगा देते हैं जो टीचर नहीं जाते हैं या कोई भी, ठीक है ना। तो आकस्मिक अवकाश। तो अब देखिए अगला जो शब्द है काजल है, ये काज से बना है, काज माने कारण है ना, उससे ये बना है। काजल माने होता है कारण संबंधी, ठीक। इस तरह से इन दोनों के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हो, आपको बुक में सेंटेंसेस मिल जाएंगे, आप खुद बना सकते हो, क्लियर। बाकी कोई ठीक, सेंटेंसेज आपको बुक में मिलेंगे, क्योंकि पूरा सेंटेंसेज नहीं कराया, एक्सीलेंट में सब कुछ है, जो नहीं रहेंगे अलग रहेंगे बताया जाएगा, क्लियर। जो नहीं मिलेगा क्लास में पूछ लेना, अगले कमेंट करके पूछ लेना। सबका जो है सेंटेंस आपको बुक में मिलेंगे, ठीक। समय नष्ट नहीं करना, क्योंकि वैसे भी ठीक है बहुत कुछ हल करना है आपको। कोई सेंटेंस अपने मन से बोल लो, आकस्मिक अवसर ही ऑन कैजुअल लीव टू दे, वह आज आकस्मिक अवकाश पर है, क्लियर। देर इज ए कॉजल रिलेशन इन एवरी मैटर, प्रत्येक मामले में कोई कारण संबंधी होता है, क्लियर। क्लियर, कॉजल रिलेशन होता है, कारण संबंधी संबंध होता है इन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज में, कोई भी सेंटेंस बना दो। अब देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। सेंटेंस आप 12 में पहुंच गए हो तो आपको इतना आना चाहिए, ठीक है, कि सेंटेंस बना सकते हो। नहीं तो आप खुद एक्सीलेंट बुक में है उस वहाँ से याद कर लीजिए। वीडियो आपको जो है पूरा सेंटेंसेस सहित अपलोड है, ठीक है, वन वर्ड सब्टीट्यूशन का, होमोफोन्स का, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, सेंटेंस आपको मिल जाएंगे, स्रोत बता दिया जा रहा है, क्लियर। क्योंकि जब पढ़ाया गया है तो ये तो है ना कि अनसाल भल कर रहे हो तो कुछ नहीं जान रहे हो, ठीक। टू कॉल ऑन, टू कॉल ऑन माने तो मिलने के लिए जाना, मिलने के लिए जाना, तो किसी से मिलने के लिए जा रहे हो तो कॉल ऑन होगा, टू मत लगाना वाक्य बनाने में, कॉल ऑन मतलब, क्लियर, मिलने के लिए जाना, ठीक। जैसे कहीं जा रहे हो थोड़े समय के लिए, किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो उसको कॉल ऑन कहते हैं। अब एट वे माने क्या होता है, घिर जाना, एट वे माने क्या होता है, घिर जाना, तो कोई भी सेंटेंस बनाओ जिसमें घिर जाना का अंग्रेजी है एट वे। एट सिक्स एंड सेवन, एट सिक्स एंड सेवन माने होता है बेतरतीब, बेतरतीब या अव्यवस्थित, बेतरतीब या अव्यवस्थित। घर में गए सारा सामान जो है बर्तन वगैरह इधर से उधर है, तो बेतरतीब है मतलब व्यवस्थित नहीं है। किताब आपके कोई लड़का है इधर से उधर रख दिए, बेतरतीब कर दिए। कॉल नेम्स माने क्या होता है, गाली देना होता है, क्लियर, गाली देना। टू ग्रीस द पॉम माने होता है रिश्वत देना, घूस देना, क्लियर। तो हम सेंटेंस सब बता दे रहे हैं, आप सेंटेंस खुद बना लीजिएगा, वीडियो भी अपलोडेड है, किताब में है, बाकी कोई दिक्कत रहेगा आप बाद में हमसे पूछ सकते हो, क्लियर। स्पेशल यू कैन इन ऑफलाइन क्लास में या तो ऑनलाइन कमेंट के द्वारा, जो नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है, या उसके ऊपर फिर बाद में वीडियो बन जाएगी। चलिए देखिए अब यहाँ जो है आपको, अब इसको हम याद करने की ट्रिक भी बता दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इडियम्स आ जाते हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है, बुक में नहीं दिए हैं, तंसाल में है, तो उसको ट्रिक द्वारा हम याद कराते हैं, बाकी तो जो भी बताया गया सब ट्रिक से बताया गया। अब यहाँ भूलता ज़्यादा है तो आप ट्रिक से याद करो उसको, कुछ लिंक करो, रिलेशन करो, ताकि भूले ना, नहीं तो आप पक्का भूल जाते हो। कॉल ऑन माने होता है मिलने के लिए जाना, तो मान लीजिए याद कैसे होगा, किसी का कॉल आ गया ऑन माने पर, कि हमारे घर पर आ जाइए, आप उसके यहाँ कॉल करने पर उसके घर पर चले गए, तो कॉल ऑन आप क्या किए, कॉल ऑन किए मतलब उससे मिलने के लिए गए, कॉल को ऑन मतलब जारी रखे, हाँ ठीक है कॉल की हो, मैं तुम्हारे घर पर मिलने के लिए आऊँगा, क्लियर। तो कॉल ऑन माने मिलने के लिए जाना, याद रहेगा। इस तरह से फिर ये दोहराना, मेरी बातें याद आ जाएंगी आपको। एट वे माने क्या होता है, घिर जाना, एट वे माने क्या होता है, घिर जाना। वैसे बे माने होता है खाड़ी, बे आप बंगाल सुने हो ना, बंगाल की खाड़ी, तो जब खाड़ी का जब युद्ध होगा तो वहाँ कुछ सैनिक एक दूसरे से क्या करेंगे, घिर जाएंगे, घेर लेंगे, जब घेरेंगे तो कोई ना कोई उससे घिरेगा, क्लियर। तो अब बे का कनेक्शन बंगाल की खाड़ी से कर दो, खाड़ी पर कुछ लोग क्या किए थे, घिर गए थे अपने दुश्मनों द्वारा, क्लियर। तो इस तरह से आराम से याद रहेगा, जैसा मैं याद किया हूँ आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको और अच्छी ट्रिक जानते हो तो आप उसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, अपनी ट्रिक आप भी बना सकते हो, ये तो मेरी ट्रिक है, क्लियर, आपको याद करवाने की, ठीक। एट सिक्स एंड सेवन माने होता है बेतरतीब, तो वेरी सिंपल है, इसको भी बेतरतीब मतलब अव्यवस्थित। आप कहीं आप मतलब कुछ कोई सामान रखना, कहीं छा रख रहे हो, कहीं साथ रख रहे हो, तो आप व्यवस्थित रख रहे हो ना, अगर छा रखोगे तो व्यवस्थित लगेगा एकदम, ठीक है, नहीं तो कम ज्यादा लगेगा, क्लियर। इस तरह से आप व्यवस्थित उसको कहते हैं, क्लियर, तितर बितर कर रहे हो। टू कॉल नेम्स माने होता है गाली देना, बहुत सिंपल है, आप इसको कॉल, अब अक्सर झगड़ा होता तो उनके माता पिता का नाम, उनके किसी के
खानदान का नाम लेके चिल्लाने लगते, उनके लड़के तुमको नहीं जानते, तुमको छोड़ूंगी नहीं, क्लियर। तो गाली देकर झगड़ा करना तो मतलब क्या, नाम 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 लेकर कहना किसी को अक्सर स्पेशली झगड़े में, तो क्या होता है, गाली ही दे रहे हो, कह रहे कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, मेरे खानदान का नाम ले रहे हो, माता का नाम ले रहे हो, पिता का नाम, वहाँ तक कैसे पहुँच गए। तो इस तरह से काल नेम अब हमारे ख्याल से याद रहेगा, क्लियर। आप देखिए आगे, ग्रीज द पाम, तो ग्रीज द पाम माने क्या होता है, रिश्वत देना, याद कैसे रहा है, ग्रीज माने होता चिकनाई, चिकनाई जैसे कुछ खाते हैं तो चिकनाई रह जाता ना, तो तली चीज जो नीचे बच जाती है तो उसको ग्रीज कहते हैं, चिकनाई। पाम माने क्या होता है, हथेली, किसी की हथेली पर चिकनाई लगा दो, यहाँ चिकनाई लगाने का मतलब पैसा रख दो, क्लियर। तो आप क्या कर रहे हो, रिश्वत देना, तो रिश्वत आदमी देखता है तो सबको बता के नहीं देता, हम इनको घूस दे रहे हैं, हम तुमको दे रहे हैं, धीरे से उसके हाथ पे क्या करते हो, हथेली पे रख देते हो, लीजिए साहब इसका आप चाय पानी कर लीजिएगा, लेकिन मेरा काम कर दीजिए, क्लियर। तो इस तरह से ग्रीस दफा हथेली पर चिकनाई लगाना का मतलब क्या, यहाँ रिश्वत देने से है, क्लियर, धीरे से। अब आई होप आपको याद हो गया, हो जाएगा इस तरह से फनी स्टाइल में, इंटरेस्टिंग तरीके से याद करो, टेंशन लोगे तो सब भूल जाएगा, और रटने की चीज़ नहीं है ग्रामर, ग्रामर समझने की चीज़ है, ठीक है, लैंग्वेज का पार्ट है, तो आया कैसे है, बना कैसे है, उसको जानो, नहीं तो आप पक्का भूल जाओगे, ठीक है ना। फिर तब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल अनसॉल्व पेपर की वीडियो आपको समझ से मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।